हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है हमारे वीकली करंट अफेयर्स में। और आई होप कि आप लोग तो आज तो नहा लिए ही होंगे। कितने लोग तो मतलब पूरा यहाँ तक खाना भी खा लिए होंगे। कुछ लोग खाना वाना नहीं खाए होंगे जो लोग डाइटिंग पर होंगे। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं डाइटिंग में हालांकि नहीं हूँ, तो क्लास के बाद में खाऊंगा वरना मुझे नींद आएगी। दिन की बात है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो आपने पिछले वीक क्या क्या पढ़ा, तो उसका ये एग्जामिनेशन है। अपने आंसर सही दीजिएगा, नकल करने कोई जरूरत नहीं है। नकल का मतलब कि कहीं से देख के मत आंसर दीजिएगा, सही आंसर दीजिएगा। और कितने आपने सही आंसर दिए वो मुझे लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं गाइज अपना सेशन, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं अपने हम लोग एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में। तो गाइज हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स स्टार्ट हो चुका है और काफी अच्छा ये मतलब इसका परफॉर्मेंस भी रहा है हमारे इस कोर्स का। 1499 में आपको 6 courses मिलते हैं विद मॉक टेस्ट। इसके अलावा हमारा इंडिविजुअल बैच भी है, आपको चाहे क्वांट पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीए मेरा पढ़ना है, 499 में आपको हमारा लाइव बैच भी मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं सेशन गाइस। चलिए तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ना जी? सब लोग कोई शांति से बैठे लो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है और क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए माता पिता की सराहना करने के लिए माता पिता का वैश्विक दिवस हम कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, व्हाट इज द आंसर? ठीक है, आंसर आने शुरू हो चुके हैं एंड द आंसर इज जून 1, ऑप्शन नंबर सी। तो जून 1 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और यहां पर आप चाहें तो उसकी थीम देख लीजिएगा, अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। डे 1 जून को मनाते हैं, ये आपको मालूम चल गया, थीम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस हाउ मच करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अंडर मुद्रा शिशु लोन। यानी ये मैंने आपको पढ़ाया था ना गाइस कि अगर आप मुद्रा शिशु लोन मतलब 50,000 रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार ने कितना अमाउंट फिक्स किया है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट फिक्स किया है, ये आपसे पूछा गया। एंड द आंसर इज 1500 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1500 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च बाई द पीएम मोदी इन मन की बात। तो मन की बात में पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम बताइए। तो गाइज ये भी आपको पढ़ाया गया है, इसका भी आंसर आपको देना है, सही आंसर क्या होगा। और अगर आंसर की बात कर ले इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जीवन योगा होगा, जीवन योगा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। तो गाइज देख लें आप लोग ध्यान से, माई लाइफ माई योगा या फिर जीवन योगा। ठीक, ये जो इवेंट है ये कॉन्टेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये लोग मिलकर मना रहे हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं वैसे भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मतलब 37 कंट्रीज, तो 37 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इक्वल ऑनरशिप, इक्वल राइट। अगर कोई भी देश मतलब वैक्सीन या कोई भी टेक्नोलॉजी ढूंढता है तो सारे देशों को उस पर इक्वल राइट मिलना चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ये WHO का था, WHO और 37 कंट्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एक्सटेंडेड द आर्म एम्बार्गो ऑन विच कंट्री अंटिल मे 2021। मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस देश पर हथियार प्रतिबंध बढ़ा दिया है जो कि अगले साल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, वो कौन सा देश है, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर आपको देना, सही आंसर आपको देना है, व्हाट इज द आंसर? और गाइस आंसर की बात करें, आंसर इज साउथ सूडान, ऑप्शन नंबर सी। साउथ सूडान, ऑप्शन नंबर सी। साउथ सूडान पर हथियार प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है और ये नेक्स्ट ईयर तक मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सपोर्ट ऑन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स डील्ड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइज मैं आपको बताऊं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में क्या होता है, किसी कंपनी का जो ये लिक्विडेशन होता है, अमलगमेशन होता है, ये कौन करता है? यहाँ पे काफी अच्छे लेवल के प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं, ये उन्हीं के लिए बात हो रही है। प्रोफेशनल्स सर्विस के लिए एक कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इस कमेटी को लीड कौन कर रहा है, ये आपसे पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मोहनदास पाई हो जाएगा। तो मोहनदास पाई इस कमेटी को लीड करेंगे जो कि प्रोफेशनल्स की सर्विस के लिए दोबारा से बनाई गई है, रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो मोहनदास पाई, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर।
पीडीएफ में आपको सब कुछ ये सब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द चलो लॉन्च टू ब्रिंग इन अ कॉन्टैक्टलेस कार्ड फॉर द बस पैसेंजर्स। तो गाइज मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, ये बैंक और चलो इसने आपस में मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड लॉन्च किया है फॉर द बस सर्विसेज, याद है ना, पढ़ाया गया आपको। व्हाट इज द आंसर? एंड आंसर की बात करेंगे, आंसर इज यस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज एंड डेवलपमेंट ISED has rolled out a unique platform for extending advisory services to COVID-19 affected MSME in which of the following state? तो आपसे पूछा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो कि एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, मतलब एडवाइस प्रोवाइड करता है ऐसे एमएसएमई को जो कि कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं, उनको एडवाइस देना। ये किस स्टेट में शुरू हुआ है ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर होगा केरला। तो केरला के इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज एंड डेवलपमेंट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एडवाइस करने के लिए एमएसएमई को जो केरला में अफेक्टेड हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज द डिप्टी एमडी ऑफ द एक्सिम बैंक? एक्सिम बैंक की डिप्टी एमडी कौन बनी है आपसे पूछा गया है, पढ़ा गया आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज हर्षा बांगड़ी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हर्षा बांगड़ी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर हैज वॉन द 2020 सिग्मोड कंट्रीब्यूशन अवार्ड? इसमें से किस रिसर्चर को 2020 का सिग्मोड योगदान पुरस्कार दिया गया है? ये नाम आपके सामने देख लीजिए, सिग्मोड कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड। वी हैव 5 ऑप्शन, वॉट इज योर आंसर? Researcher has won the 2020 Sigmod Contribution Award. And the answer is Stephen Mangold, option number D. Stephen Mangold. तो Stephen Mangold की बात करें, इनको ये Sigmod Award मिला है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, रट्टा मारने वाली चीज है बस। चलो next question. What is the theme of the World Milk Day observed on June 1? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया गया, इसकी थीम क्या थी इस बार की, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, थीम की बात करेंगे, क्या इसकी थीम होगी गाइस? हमारे सामने 5 ऑप्शन है, और आंसर की बात करें, आंसर इज रेज अ ग्लास, ऑप्शन नंबर डी। तो रेज अ ग्लास ऑप्शन नंबर डी, तो संडे हो या मंडे, रोज पियो दूध, रोज पियो मिल्क, ये नया कोटेशन हम लोग का है। रेज अ ग्लास ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, रेज अ ग्लास देख लीजिए यहां पर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हाँ, 20th एनिवर्सरी थी, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। नेम द दिल्ली बेस्ड एनजीओ विच हैज बीन कॉन्फर्ड विद द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड? किस एनजीओ को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, यह भी हमने पढ़ा है, आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज सीड्स, ऑप्शन नंबर सी, सीड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे आपसे पूछा गया, आंसर इज 2nd जून, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या भी था जी, तुम लोग क्या बोल रहे हो? देखो, तो वर्ल्ड, अगर हम ध्यान से इसको पढ़ें तो अगर आप वर्ल्ड मिल्क डे की बात करेंगे, 20th एनिवर्सरी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, यूएन की, और अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में रेज अ ग्लास थीम थी, तो बिल्कुल दोनों सही आंसर है आपका। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्ल्ड मिल्क डे थीम इंडिया की पूछी गई है, तो रेज अ ग्लास, वैसे 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे भी था, तो ये दोनों आपको याद रखना है, इंडिया में रेज अ ग्लास, तो याद कर लीजिएगा ठीक से इसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया 2nd जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज डेवलप अ डिसइंफेक्शन यूनिट नेम्ड अल्ट्रा स्वच्छ? ये भी हमको पता है, आंसर देखिए इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर DRDO है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state aims to provide tap connection to all rural household by December 2022? तो इस राज्य ने दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को टैप कनेक्शन, मतलब नल कनेक्शन, पानी प्रोवाइड करेगा, वो कौन सा स्टेट है ये आपसे पूछा गया। 2022 तक तो वो कौन है, वो मेघालय है, 2022 तक मेघालय है, और मेघालय को कितना अमाउंट दिया गया है, तो मेघालय को 175 करोड़, ये भी याद कर लेना, 175 करोड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग हु
Who among the following has launched the tech platform Champions for MSME? तो गाइज ये हम लोग को पढ़ाया, हमने पहले ही पढ़ा था Champions, ये जो प्लेटफॉर्म है इसे किसने लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नरेंद्र मोदी जी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्कीम लॉन्च बाई पी एम मोदी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर अमिड द कोविड 19 क्राइसिस. तो हम लोग तो पता है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर है इनको 10,000 रुपीस दिए जाएंगे लोन के लिए. इसके लिए 5,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं. स्कीम का नाम क्या है? तो स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम. कहीं दिख रहा है आप लोगों को? यही है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. याद कर लेंगे हम लोग, याद ही है हम लोग को. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच मोबाइल कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द टी हब टू सपोर्ट इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड स्केल अप इन एकर्स एरियाज ऑफ AI, 5G बैटरी एंड इमेज प्रोसेसिंग. ये भी हमने पढ़ा. तो टी हब के साथ किसने एग्रीमेंट किया था? तो टी हब के साथ ओप्पो ने एग्रीमेंट किया था. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. याद है ना? Which cyclone has developed off the eastern coast of India and is likely to hit Maharashtra and Gujarat? तो बड़ा रेयर ही होता है कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे कोई तूफान आता है, और इस बार आया है निसर्ग. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been nominated for the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award by the Boxing Federation? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ने चुना है अमित पंगल को और विकास कृष्णा को. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है. आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेम द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम फॉर ग्रास रूट लेवल. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द कोचिंग पर्पस, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खेलो इंडिया ई पाठशाला. इसको लॉन्च किया था किरण रिजिजू ने, और ये ऐसा मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है. और अगर बात करें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था. ये सारे पॉइंट आपको याद रखने. नेक्स्ट पॉइंट, वाजिद खान हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 42 ड्यू टू मतलब इनका निधन हो गया है कोविड 19. हालांकि कोविड 19 नहीं, इनका निधन हुआ है किडनी फेल्योर की वजह से. तो क्या इसका हालांकि क्या इनका आंसर है? तो इसका आंसर है म्यूजिक कंपोजर. ऑप्शन नंबर ई, म्यूजिक कंपोजर ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. हमको ये मालूम है, ठीक है. आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, द तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट. तो आपको बताया इस बार की इस बार 6th एनिवर्सरी थी तेलंगाना फॉर्मेशन डे की. तो 2014 में तेलंगाना को बनाया गया, और डे था 2nd जून. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. 2nd जून ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन मतलब स्प्रिंट का मतलब धावक बॉबी मोरो हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री. तो हाल ही में पूर्व ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया है. वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा गया, ये किस देश से बिलोंग करते हैं. तो देख लीजिए, बॉबी मोरो की बात करें, इसका आंसर आपको यूएस मिल चुका है, यूएस. तो बॉबी मोरो इनकी 84 मतलब 84 ईयर एज ओल्ड में मृत्यु हो गई है. 1956 में इन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीता था स्प्रिंट में. स्प्रिंट का मतलब दौड़ना होता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. The government of which state has launched an online portal skill register to create a database of migrants. तो हमने पढ़ा हुआ है कि किस राज्य ने प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर शुरू किया है, और वो स्टेट कौन सा था? वो स्टेट कौन सा था? वो स्टेट था हिमाचल प्रदेश. ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 26. तो मूडीज की बात करें तो मूडीज ने भारत की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करके क्या कर दिया है, कितना कर दिया, ये आपसे पूछा गया. तो मूडीज ने इंडिया की ग्रोथ रेट को कितना डाउनग्रेड किया, ग्रोथ रेट नहीं सॉरी मतलब इंडिया की सॉवरेन रेटिंग, संप्रभु रेटिंग इंडिया की. तो वो BAAA3 हो गई है. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. हमको ये मालूम है. इसके अलावा मूडीज ने बोला था कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो -4% रहेगी, तो ये भी याद कर लीजिएगा. हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2021 में? इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ये आपसे पूछा गया. According to Bank of America, और इन्होंने क्या बोला है, -2%. Bank of America का -2% है. अभी recently Reserve Bank of India का कितना हो गया था, -1.5% हो गया था. RBI -1.5%, Bank of America 2%. ये दोनों कम है थोड़ा सा. हाँ चलो आगे बढ़ते.
नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ कोविड 19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट बाय नेस्कॉम. ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक कोविड 19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि नेस्कॉम ने बनाया, और ये कौन सा स्टेट है, ये आपसे पूछा गया. तो स्टेट की बात करें तो कर्नाटका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. कर्नाटका वो स्टेट है. ठीक है, कर्नाटका एंड नेस्कॉम याद रखना, कर्नाटका एंड नेस्कॉम याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्चर एट द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव फाउंड अ रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियो फिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. मतलब सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर एक दुर्लभ बैंड, बैंड का मतलब मुड़ा हुआ, दुर्लभ बैंड पूंछ बिच्छू मछली ढूंढी है. कहां पर ढूंढी है ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर क्या होगा? रेलवे वाले बच्चे, एसएससी बच्चे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके. आंसर इज गल्फ ऑफ मन्नार ऑप्शन नंबर ई. गल्फ ऑफ मन्नार ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, नेम द मिशन लॉन्च बाय द पीएम चीफ मतलब सॉरी पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड 19. तो भाई ये तो हमको पता है, ये तो पहले से ही पता है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोविड 19 से रिलीफ देने के लिए मिशन फतेह लॉन्च किया था. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मिशन फतेह. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एंबेसडर टू कुवैत. भारत के अगले राजदूत कुवैत के लिए कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया. तो अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? आंसर इज सिबी जॉर्ज. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. हमने पढ़ा हुआ है सिबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वर्ल्ड बाइसिकल डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड बाइसिकल डे हम कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है. वर्ल्ड बाइसिकल डे, आंसर इज June 3, ऑप्शन नंबर सी. June 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. June 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. प्रियंका जी हेलो, कैसी हैं आप? आपके बिल्कुल कमेंट को डिलीट करते देखना हम चाहते हैं पूरे दिल से, तो प्लीज आंसर करें और कमेंट डिलीट करें, हम लोग देखना चाहते हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ओडिशा सिक्किम और मिजोरम तीन नए स्टेट जो हैं ये वन नेशन वन राशन कार्ड में इंक्लूड कर दिए गए हैं. तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड में कितने स्टेट और यूटी आ चुके हैं, ये आपसे पूछा गया. बढ़िया क्वेश्चन है. हालांकि अगस्त में तीन स्टेट और इंक्लूड होने वाले हैं, फिलहाल जब तक अगस्त में इंक्लूड नहीं होते अभी का आंसर की हम बात कर लेते हैं. आंसर क्या होगा? आंसर इज 20th, ऑप्शन नंबर डी. तो 20th ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द सुब्रमण्यम सुंदर हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द विच बैंक. सुब्रमण्यम सुंदर जो है वो किस बैंक के एमडी सीईओ थे, इनको 6 मंथ का और एक्सटेंशन मिल गया है, ये आपसे पूछा गया है. कौन से बैंक का? आंसर क्या होगा? आंसर इज लक्ष्मी विलास बैंक, ऑप्शन नंबर बी. लक्ष्मी विलास बैंक ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38. हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द रीजनल अवार्ड फॉर द एशिया इन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज. ये रांची की हैं, 29 साल की हैं, और इनको एशिया मतलब रीजनल अवार्ड मिला है फॉर द एशिया इन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज. इनका नाम क्या है? And the answer is Kritika Pandey, option number E is right answer. और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था The Great Indian Tea and Snakes. तो ये भी याद कर लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे next question की. तो which of the following Indian hockey player has been nominated for the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है हॉकी इंडिया ने? तो ये तो आप लोगों को पता ही है. तो ये हॉकी टीम की प्लेयर हैं, कैप्टन है रानी रामपाल. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रानी रामपाल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेम द ई बुकलेट लॉन्च बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री रिलीज ऑन फर्स्ट ईयर ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2.0. तो नरेंद्र मोदी सरकार के जो दूसरा कार्यकाल है उसके 1 साल पूरा होने खुशी में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक ई बुकलेट निकाल ली, उसका नाम पूछा गया आपसे. और इसका नाम क्या होगा? एंड द नेम इज वन ईयर ऑफ द मोदी 2.0 टुवर्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया. वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग इन द लेटेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम सर्वे बाय स्टार्टअप लिंक. तो इसमें आपको बताया कि यूएस नंबर 1 पर है, और चलिए पहले देख लेते हैं आंसर. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 23rd, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. तो 23rd नंबर पे इंडिया है, यूएस पहले नंबर पे है. अगर बात करते हैं इंडियन सिटीज का तो बैंगलोर शहर जो है वो इंडिया में इसने टॉप किया है. लेकिन अगर बैंगलोर की ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे बैंगलोर जो है वो 14वें नंबर पे, 14th रैंक पर है.
ठीक है, और इंडिया पे टॉप किया है। तो देख लीजिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इंडिया की रैंक की, 23rd रैंक इंडिया की है, ठीक है, 23rd रैंक। नेक्स्ट पॉइंट, जयंती लाल ननोमा हु पास्ड अवे इन अ रोड एक्सीडेंट रिसेंटली वॉज रिटेड विथ विच स्पोर्ट। तो हाल ही में जयंती लाल ननोमा जिनका निधन हो गया है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फाइव ऑप्शन, वी हैव फाइव ऑप्शन, आप क्या आंसर देना चाहेंगे? तो आप देना चाहेंगे आर्चरी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब धनुष आर्चरी। ठीक, तो देख लीजिए आर्चरी के एक प्लेयर थे ये कोच भी थे, इंटरनेशनल आर्चर टर्न्ड कोच जयंतीलाल ननोवा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मतलब कि टेबल टेनिस प्लेयर का नाम से पूछा गया है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया, उनका नाम क्या है? और नाम क्या है? नाम इज मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी। मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मनिका बत्रा। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूके। तो भारत की अगली उच्चायुक्त यूके में कौन होंगी, ये आपसे पूछ लिया गया है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गायत्री आई कुमार, ऑप्शन नंबर बी। गायत्री आई कुमार ने रुचिकन श्याम को रिप्लेस किया है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। A special drive has been started by the central government to provide Kisan Credit Card to how many crore dairy farmers under the Atmanirbhar Bharat package? केंद्र सरकार कितने करोड़ डेयरी किसानों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने का एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है? इसका आंसर क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर 1.5 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। 1.5 करोड़, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। विच कंपनी हैज इंक्ड अ पैक्ट विद NIIFL, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड एंड अयाना पावर। तो किस कंपनी ने NIIFL और अयाना पावर के साथ एक पैक्ट साइन किया है टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, ये कंपनी NIIFL और अयाना पावर। आंसर क्या होगा? आंसर इज इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल इंडियन रेलवे की जो अपनी कंपनी है, तो इरकॉन इंटरनेशनल, NIIFL और अयाना पावर, ये लोग सोलर एनर्जी पर काम करेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अज्यूम चार्ज एज द स्टील सेक्रेटरी। तो स्टील सेक्रेटरी के तौर पर किसे चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फाइव ऑप्शन, क्या हम इसका आंसर देने वाले हैं? स्टील सेक्रेटरी, और आंसर की बात करें प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हु इज द हेड ऑफ द कमेटी टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द MSME स्कीम जो कि 3 लाख करोड़ रुपए है। तो नरेंद्र मोदी जी ने MSME की जो स्कीम हमने निकाली थी 3 लाख करोड़ रुपीज की लोन देने की, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत ना है, इसके लिए कमेटी बनाई है, कमेटी को लीड कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? इस कमेटी को लीड करेंगे हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप टू स्केल ग्रोथ एंड ऑफर एक्सेस टू डीप टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब इंडिया में, हमारे देश में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो है, मतलब ऐसी कंपनियां जो कि एग्री और टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने, उनको मेंटरशिप देने के लिए, उनको डीप टेक्नोलॉजी देने के लिए इंडिया में इनमें से किस ऑप्शन वाली कंपनी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, ये आपसे पूछा गया। और ये किसने शुरू किया? ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएससी एबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग हैज लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म बाय एनरोलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर। मतलब कि इसमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बीएससी एबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग के प्लेटफॉर्म पर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रही है। जैसे नहीं, पॉलिसी बाजार एक वेबसाइट है, उसमें बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड होकर अपनी पॉलिसी सेल करती हैं, तो वैसे ही बीएससी एबिक्स इंश्योरेंस जो है ये भी पॉलिसी बाजार की तरह एक प्लेटफॉर्म है। तो इसने किस कंपनी को अभी अपने पास रजिस्टर्ड करके हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया, ये आपसे पूछा गया। और इसका आंसर रेलिगेयर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑब्लिग्यूटी हैज लॉन्च एन एप्लीकेशन टू हेल्प ट्रैक हॉस्पिटल बेड वेंटिलेटर फॉर कोविड 19 पेशेंट।
मतलब इस यूटी के या इस स्टेट के जो नागरिक हैं उनको ये ढूंढने में दिक्कत ना हो कि किस हॉस्पिटल में अभी वेंटिलेटर्स फ्री हैं, बेड फ्री हैं फॉर द कोविड-19 पेशेंट। तो ये शुरू किया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, और नाम क्या है इसका, नाम है दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन, दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन, ये भी याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने खुद ही आपको पढ़ाया, इसमें टाइम ज्यादा लेंगे नहीं हम लोग। आंसर आपको देना है, वी हैव फाइव ऑप्शन, तो मेरे पास पांच ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज जून 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर गाइस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। फेसबुक इट ऑल सेट टू एक्वायर हाउ मच परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म विया जादू होल्डिंग्स। तो गाइज ये तो हमको बताइए कि फेसबुक जो है वो रिलायंस जियो में 9.99% स्टेक एक्वायर कर रहा है, लेकिन अपने नाम से नहीं, जादू होल्डिंग से। तो ये हमको बताए 9.9%, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर जॉब्स टू रिटर्निंग इंडियन फ्रॉम अब्रॉड। तो गाइज हमको ये पता है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ये स्कीम चलाई गई है, और इसमें अगर हम बात करें गाइज इसका नाम क्या है, स्वदेश नाम है, स्वदेश। तो स्वदेश का फुल फॉर्म भी हमको पता है, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, स्वदेश, ठीक है। ये वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो लोग आए हैं, जो फॉरेन से आए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीनों मिनिस्ट्री का एक साथ में मिला जुला काम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, आंसर देना होगा, क्या इसका आंसर वो देख लीजिए, भैया फाइव ऑप्शन, इसका आंसर क्या है, आंसर इज उदय कोटक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उदय कोटक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ट्विटर। ट्विटर की नई चेयरमैन, ट्विटर के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर देख लीजिए आप, और इसका आंसर क्या, इसका आंसर पैट्रिक है, पैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द बाफ्टा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बाफ्टा के नए चेयरमैन कौन है, तो बाफ्टा के नए चेयरमैन कौन है, बाफ्टा के नए चेयरमैन है कृष्णेंद्र मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थक गया तुम लोग, थकना मत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओवर एज अ चेयरमैन ऑफ द एमडी ऑफ द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। सीएमडी बने हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के कौन, ये आपसे पूछा गया, आंसर क्या होगा, आंसर इज वीएन दत्त, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has collaborated with NASA to support human mission to Moon, Mars and beyond? इनमें से कौन से देश ने नासा के साथ एग्रीमेंट किया है? नासा इस देश के मून मिशन को, मार्स मिशन को और भी बहुत सारे मिशन को सपोर्ट करेगा, और ये देश कौन है? ये देश है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। साउथ अफ्रीका और नासा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फेसबुक हैज साइंड अ डील विथ विच म्यूजिक लेबल टू बोल्स्टर द लाइब्रेरी ऑफ इट्स म्यूजिक प्रोडक्ट अक्रॉस इट्स सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो हमको ये पता है कि फेसबुक ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो फेसबुक ने सारे गामा के साथ एग्रीमेंट किया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। द फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल सेट टू बी कमीशन इन दिसंबर। क्योंकि इस स्टेट ने अपने स्टेट के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार और एड कर दिया है, राइट ऑफ द इंटरनेट, और इसके तहत ये जो स्टेट है ये के फोन नाम की योजना लेके आ रहा है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए अलॉट किया दिए गए हैं, और ये स्टेट कौन सा, ये स्टेट है केरला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केरला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो आपको बताया कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किस ईयर में आया था, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था सन 1955 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फैसिलिटी टू ओपन करंट अकाउंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन डिजिटली विद इन अ फ्यू आवर। तो मैंने आपको पढ़ाया था, इंडिया पहली बार ऐसा हुआ है किसी बैंक ने करंट अकाउंट ओपन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, और वो बैंक कौन सा है, वो बैंक है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द TCIL फॉर रियल टाइम पेमेंट टू ट्रक ड्राइवर। ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये बैंक कौन सा है, ये बैंक कौन सा है, ये बैंक है DBS बैंक। तो DBS बैंक ने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है, हम लोग पढ़े हुए हैं DBS बैंक एंड TCIL, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 विद एन आउटले ऑफ हाउ मच अमाउंट।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0, इसके लिए भारत सरकार ने कितने अमाउंट की शुरुआत की है, तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, 50,000 करोड़ रुपए है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 50,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. The Union Cabinet has approved an MOU with which country cooperation in the areas of environment? तो आपको बताया गाइस कि भारत का किस कंट्री के साथ एनवायरमेंट में एग्रीमेंट था जिसको कि अभी कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है. वो देश कौन सा है? वो देश है भूटान. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पपुआ न्यू गिनी. याद करो मैंने आपसे बोला था ना कैसे हम याद करेंगे, सिंघम कुछ मैंने तरीका बताया था, तो सुशील कुमार सिंघल सिंघल ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. मैंने तरीका आपको बताया इसका. नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज आईटी सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 बाय एवरेस्ट ग्रुप. एवरेस्ट ग्रुप के द्वारा इसमें से किस ऑप्शन को आईटी सर्विस ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है. ये कंपनी यूएस की है लेकिन आपने नाम सुना होगा. इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है यूएसटी ग्लोबल, यूएसटी ग्लोबल न्यूयॉर्क. इसको आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है बाय द एवरेस्ट ग्रुप. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 77. विच बैंक हैज क्रिएटेड अ सेपरेट बिजनेस वर्टिकल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट, मतलब FIMM इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. तो SBI हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व. अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है इसका मतलब वो कल का है, तो कल मतलब यस्टरडे का, तो टुमारो वाली करंट अफेयर्स क्लास में वो हम कवर कर देंगे, परेशान मत होइएगा. ठीक, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी. ऑप्शन तो है नहीं है, मतलब सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी. और कोलंबिया में ये होस्ट हुआ, जर्मनी पार्टनर कंट्री था. ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. हु हैज ऑथर्ड द न्यू बुक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्रिव टू थ्री टू प्रमोट बेनिफिट ऑफ ड्राई फास्टिंग डाइट. इस पुस्तक के ऑथर कौन है ये आपसे पूछा गया. तो इस पुस्तक के ऑथर कौन है? इस पुस्तक के ऑथर है ल्यूक काउंटीहो. ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. तो ल्यूक काउंटीहो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड अ टोटल अमाउंट ऑफ 262.49 करोड़, प्रोवाइडिंग हाउ मच रुपी टू 2.62 लाख ऑटो एंड कैब ड्राइवर्स इन द स्टेट. तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्यों में ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि ड्राइवर का काम करते हैं और अपनी अपनी कैब खोलना अपनी अपनी कार खरीदना चाहते हैं, तो उनको 10,000 रुपए की हेल्प करेगी आंध्र प्रदेश सरकार. तो 10,000 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. 10,000 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. Which state oblique UT has launched an application to provide salary information to employee in remote and rural areas? मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ. गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये application launch किया था. इसका नाम क्या है वो भी आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है. फिलहाल अगर answer की बात करें, answer जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा. और application का नाम मेरा वतन वर्जन वन. मेरा वतन वर्जन वन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर विद द मास्टर कार्ड एंड द वर्ल्ड लाइन टू लॉन्च सॉफ्ट POS. मैंने ये भी आपको पढ़ाया. And the answer is Axis Bank. Option number B is right answer. ठीक है, next question. Who among the following has been appointed as the brand ambassador of the Adidas India? Adidas India की brand ambassador कौन बनी है? ये आपसे पूछा गया है. कौन है भाई? कौन है? इनका नाम क्या? इनका नाम है मानुषी चिल्लर. Option number E is right answer. मानुषी चिल्लर option number E is right answer. Next question. Prime Minister Narendra Modi recently addressed the virtual Global Vaccine Summit 2020. India has pledged how much million US dollar to Gavi Vaccine Alliance. हम लोग ये कल पढ़े थे कि भारत ने Gavi Vaccine Alliance को कितना अमाउंट दिया. तो इंडिया ने 15 मिलियन डॉलर की हेल्प करने की बात बोली है. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड अ डिवाइस नेम्ड Sumeru PACS दैट हेल्प वेयरर ऑफ PPE टू फील कंफर्टेबल विदाउट स्वेटिंग. पढ़े हम लोग ये भी. और इसका आंसर DRDO हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बासु चटर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फेमस. तो ये तो फेमस पर्सनालिटी है, आपको पता होगा कि ये क्या काम करते थे. तो बसु चटर्जी थे, ये एक फिल्म मेकर थे. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. फिल्म मेकर, छोटी सी बात, रजनीगंधा मूवी का नाम है, ये उनके क्रिएशन है. 93 ईयर एज ओल्ड में इनकी मृत्यु हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Name the initiative launched by the Union HRD Minister as well as Minister of State for Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri, to provide internship opportunity to fresh graduates in all urban local bodies and smart cities across the country. तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टुलिप. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. टुलिप का फुल फॉर्म क्या है? तो टुलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम. कहीं पर मेंशन होगा, यहां मेंशन है. देखो ये द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अर्बन होम अफेयर्स का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है. Name the program launched by the Union Environment Minister Prakash Javadekar on the occasion of the World Environment Day. तो हमारे देश में सरकार की जो योजना है, अगले 5 सालों में 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे. किस स्कीम के अंतर्गत ये आपसे पूछा गया, और स्कीम का नाम है अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम. ऑप्शन नंबर सी, अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. What is the theme of the World Economic Forum Davos Summit for its next annual Davos meeting in January 2021? ये 51st edition होगा World Economic Forum का जो Davos Summit है. तो इसकी theme क्या होगी, ये आपसे पूछा गया. तो इसकी theme क्या है? इसकी theme है the Great Reset. Option number B. The Great Reset. Option number B is right answer. Which country is all set to host the AFC मतलब Asian Football Confederation Women Asia Asian Cup Finals in 2022? तो वो कौन सा देश होस्ट करेगा, ये आपसे पूछा गया. तो वो इंडिया होस्ट करेगा. ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विद 8 इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 100, इंडिया नाउ रैंक एट द विच पोजीशन इन द टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग. तो गाइज आपको बता है कि इसमें IISc, मैं आपको ये बता चुका हूं कि इसने टॉप किया था. तो इंडिया की टॉप 100 में से 8 इंस्टीट्यूशंस थे. तो ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की पोजीशन क्या रही, तो इंडिया तीसरे नंबर पे रहा सबसे ज्यादा अपने इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के मामले में. तो इंडिया तीसरे नंबर पे है, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा. तो इंडिया तीसरे नंबर पे था. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द स्पंदन कैंपेन टू चेक सुसाइड एंड फ्रैटिसाइड इंप्रूव इन्वॉल्विंग पुलिस पर्सनल. तो ये भी हमको पता है आंसर क्या होगा. देखो उसका एंड द आंसर इज छत्तीसगढ़. ऑप्शन नंबर ई, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ हाउ मच अमाउंट करोड़ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट फंड PIDF. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी PIDF रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है, एक फंड है जिसका टोटल अमाउंट होगा 500 करोड़ रुपए, लेकिन RBI स्टार्टिंग में 250 करोड़ रुपए ही लगाएगा, है ना. आंसर इज 500. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्ट विच हैज बीन रीनेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट टू मेक द 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट. इसको अप्रूवल मिल गया कैबिनेट का. तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम दीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक हाउ मेनी मिलियन कुड बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020 इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस. यानी कोरोना वायरस महामारी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इतने लोगों को जबरदस्ती एक्सट्रीम पॉवर्टी में डाल दिया गया है. तो ये कितने लोग हैं, तो ये 60 मिलियन लोग हैं जो कि अत्यधिक गरीबी में आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस एन अपग्रेडेड ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय क्यूरेटेड टू प्रोवाइड फ्यूचर रिटेल एक्सपीरियंस टू कस्टमर इन द वेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक. तो ये किस कंपनी ने किया है, क्लिक टू बाय, एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म जहां से कंपनी अपनी कार बेच सकती है, और ये किया है ह्युंडई ने. ह्युंडई इंडिया. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ह्युंडई इंडिया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, अबू धाबी की जो कंपनी है मुबाबडला, इसने कितना परसेंट जियो में खरीदा है 9,993.6 करोड़ रुपीज में. वॉट इज द आंसर, एंड द आंसर इज 1.85. ऑप्शन नंबर बी. तो गाइज 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए. आपको PPT अभी थोड़ी ही देर में आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो कैसा लगा हमारा सेशन हमें बताएं. बड़ी जल्दी क्लास खत्म हो गई क्योंकि हमने स्पीड से काम भी किया. भैया रॉक स्टार ना यार. तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में फॉर द 7 AM फॉर द करंट अफेयर्स. तो मेक श्योर कल आना है. और कल का हमारा टारगेट है 400 लाइव का, क्योंकि लास्ट वीक में हम 300 लाइव लेके नहीं आ पाए. तो कल करंट अफेयर शो में हम 400 लाइव और 1000 लाइक चाहते हैं. तो ये पॉसिबल आप ही लोग कर पाएंगे.
थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। कल का टारगेट 400 लाइव आना है हम लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए आप लोग भी।